तो टाटा आईपीएल 2023 जो कि आईपीएल के इतिहास का सबसे कठिन सीजन रहा है, इसका जो सबसे बड़ा वजह है वह है कि आईपीएल 2023 का सीजन में अब लीग मैच सिर्फ 2 दिन ही बाकी है और 4 मुकाबले हैं। लेकिन बता दें कि अभी आईपीएल 2023 के प्ले ऑफ में 3 स्थान खाली है। यहाँ दोस्तों बता दें कि ऐसा कभी भी नहीं देखा गया है कि सिर्फ 4 मुकाबले बाकी हो और 3 स्थान खाली हो और कोई भी टीम जा सकती है और कोई भी टीम बाहर हो सकती है। तो दोस्तों बात करें राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला खेला गया है जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने जीत लिया है और इस जीत के साथ जो उसका उम्मीद है प्ले ऑफ में जाने का अभी भी जिंदा है, वहीं पंजाब किंग्स बाहर हो चुका है। बता दें कि राजस्थान रॉयल्स 14 पॉइंट्स पर पहुँच चुकी है जो कि अब उसे सिर्फ आगे के मैचेस के लिए ही कर सकती है रॉयल्स जब बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस को लेकर। तो दोस्तों सबसे पहले हम पॉइंट्स टेबल का बात करें तो बता दें कि सबसे पहली टीम है गुजरात टाइटंस जो कि अपना प्ले ऑफ में जगह बना चुकी है। इस भसर में जो सबसे आगे है वह गुजरात टाइटंस ही है। या दोस्तों बता दें गुजरात टाइटंस 13 मुकाबला खेला है, 9 जीता है, 4 हारा है और पॉइंट से 18। तो दोस्तों वहीं दूसरी नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग और चेन्नई सुपर किंग का आज है उनका मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ और यह मुकाबला किसी भी हाल में चेन्नई सुपर किंग को जीतना होगा। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग 13 मुकाबले खेली है, 7 जीती है, 5 हारी है, 1 रद्द है और पॉइंट से 2। वैसे तो नेट रन रेट के मामले में लखनऊ से बेहतर है लेकिन लखनऊ सुपर जायंट अगर बड़ी जीत दर्ज करती है तो चेन्नई सुपर किंग के लिए दिक्कत हो सकती है, इसलिए एक बेहतरीन जीत चाहिए दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग के लिए। बात करें कितना चांसेस है चेन्नई सुपर किंग का प्ले ऑफ में जाने का तो दोस्तों समझ जाइए 90 से 95% चांसेस है कि चेन्नई सुपर किंग अपना प्ले ऑफ में जगह पक्का कर लेगी। वहीं तीसरी टीम की बात करें तो दोस्तों वह है लखनऊ सुपर जायंट, उसका भी आज ही मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर्स से और वह मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट को किसी भी हाल में जीतना होगा। वही कोलकाता नाइट राइडर्स को अपना उम्मीद है वह कायम रखने के लिए उन्हें भी आज का यह मुकाबला जीतना होगा। बता दें कि लखनऊ ने 13 मुकाबला खेला है, 7 जीता है, 5 हारा है, 1 रद्द रहा है और पॉइंट से 15, लेकिन नेट रन रेट के मामले में चेन्नई से पीछे है लखनऊ, इसलिए नंबर 3 पर है। वहीं नंबर 4 पर है बेंगलुरु, बता दें कि 13 मुकाबला खेला है, 7 जीता है, 6 हारा है और पॉइंट से 14, और बेंगलुरु का अपना अगला मुकाबला जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ किसी भी हाल में जीतना होगा। वहीं बता दें कि नंबर 5 पर है राजस्थान, जी दोस्तों 14 मुकाबला खेला है, 7 जीता है, 7 हारा है और पॉइंट से 14। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स को प्ले ऑफ में जाने के लिए बेंगलुरु को 5 रनों से ज़्यादा हारना होगा गुजरात टाइटंस के खिलाफ, इसके अलावा मुंबई इंडियंस को हारना होगा और फिर चांसेस बनेगा राजस्थान रॉयल्स को, नहीं तो लगभग बाहर है राजस्थान रॉयल्स। तो परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों 20 से 30% चांस है राजस्थान के पास आगे प्ले ऑफ में जाने का। वहीं बता दी कि नंबर 6 पर है मुंबई इंडियंस जो कि 13 मुकाबले खेला है, 7 जीता है, 6 हारा है और पॉइंट से 14। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस का प्ले ऑफ में जाने के लिए एक बड़ी जीत की जरूरत है एसआरएच के खिलाफ। वहीं दोस्तों बात करें नंबर 7 पर है कोलकाता, 13 मुकाबले खेला है, 6 जीता है, 7 हारा है और पॉइंट से 12, और कोलकाता नाइट राइडर्स का भी अभी उम्मीद बाकी है लेकिन आज का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट को कम से कम 113 रनों से ज्यादा हराना होगा तभी कोलकाता नाइट राइडर्स आगे प्ले ऑफ में जा सकती है, नहीं तो आज बाहर हो जाएगी फाइनली कोलकाता नाइट राइडर्स। वहीं बता दें कि नंबर 8 पर है पंजाब जो कि 14 मुकाबला खेल चुका है, 6 जीता है, 8 हारा है और पॉइंट से 12, और पंजाब बाहर हो चुका है आईपीएल 2023 के प्ले ऑफ के दौर से। नंबर 9 पर है दिल्ली जो कि 13 मुकाबला खेला है, 5 जीता है, 8 हारा है और पॉइंट से 10, और दिल्ली भी प्ले ऑफ के दौर से बाहर हो चुका है। और नंबर 10 पर हैदराबाद जो कि 13 मुकाबला खेला है, 4 जीता है, 9 हारा है और पॉइंट से 8, और हैदराबाद भी हो चुका है। तो दोस्तों यह है लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल टाटा आईपीएल 2023 का। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास यह जरूर करें। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।